हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी के बारे में। जैसे पिछली क्लास हमने आपको बताया था अपडेट क्वेरी के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे क्रॉस टैब। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर एक क्रॉस टैब क्वेरी होता क्या है। जैसे सपोज करिए, अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लाई पे लें, या फिर अगर जो आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, आप बच्चों ने फीस जमा किया उसके ऊपर, हम ये मान लें कि एम्प्लाई नेम है, किसी एम्प्लाई को आपने सैलरी दिया, तो बहुत ऐसा हुआ कि कई लोग ऐसा हुआ जिन्होंने क्या किया, आप जनवरी में दिए, फिर क्या दिए फरवरी में दिए, फिर आप क्या दिए मार्च में दिए, ऐसे करके आपने मंथ वाइज सबका सैलरी क्या किया दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे सपोज कि हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं किसी का, जैसे हम ले लिए विवेक का, इसका ले लिए विवेक, तो विवेक को हमने जनवरी माह में जो है कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार या 3 बार या 4 बार हमने सैलरी दिया। आ रहा समझ में ना, जैसे उसको जैसे जरूरत पड़ा उसने ये कहा, और महीना के लास्ट में सैलरी देते हैं, लेकिन महीना चल रहा था तो उसने ये कहा सर पहले अभी हमको 5 हजार रुपये एडवांस की जरूरत है, हमने उसको 5 हजार दे दिए। फिर 2 दिन बाद उसने कहा कि हमको 2 हजार और एडवांस की जरूरत है, हमने 2 हजार और दे दिए। फिर 2 दिन बाद और उसने कहा कि हमको 3 हजार की जरूरत है और हमने 3 हजार दे दिया। ये सारा जो जोड़ना, जनवरी माह में विवेक का टोटल कितना सैलरी हुआ है, कितना हमने दिया है, ये और जो सिर्फ हमको जोड़ना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस टैब क्वेरी। किसका? क्रॉस टैब क्वेरी। या फिर हम ये ले लें जैसे कोई एक संस्था है, क्या है कोई एक संस्था, जैसे विवेक का हम ले लिए, विवेक या किसी और का ही नाम ले लिए, इसने जनवरी माह में 1500 जमा किया, फिर जनवरी माह में ही हो सकता है फिर कहीं 1000 जमा कर दिया। आ रहा समझे ना, ये पता करना हो कि ये जिस व्यक्ति का नाम लें वो फिर जनवरी माह में या फिर फरवरी माह में कितना जमा किया है, ये हमको टोटल जमा करना हो तो किसके माध्यम से हम जमा करें, किसके माध्यम से कैलकुलेट करें, कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, विंडो आर की यहाँ पे लिख दिए क्या एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेस में जाने के बाद से ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, इसका लोकेशन हम वही देते हैं जहां अभी हम सारा फाइल सेव कर रहे थे, डी ड्राइव, और डी ड्राइव के पास से एमएस, इसका नाम दे दिए क्रॉस टैब, क्रॉस टैब, और यहां से क्या कर लिए ओके कर लिए। ओके करने से क्या कर लेंगे, ओके करना कर लेंगे यहाँ से क्रिएट। क्रिएट करने के बाद से हमको एक टेबल बनाना है। सपोज करिए कि हम ऐसे ले लेते हैं किसी संस्था के ऊपर, पहले टेबल डिजाइन करना होगा ना, तो टेबल डिजाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद से डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू के पास किस में आ जाएंगे, टेबल बन ही रहने देते हैं, फिर हम यहाँ से क्या कर लेंगे आईडी नंबर की जगह पे हम ही बस आईडी और ऑटो नंबर ही रहने दें, यानी उसको बस वही ऑटो नंबर ही रखना हो जाएगा ना। उसके बाद से हमको इसमें आगे करना क्या है, आगे हम दे दिए स्टूडेंट यानी कि स्टडी स्टूडेंट नेम, इसमें रहेगा स्टूडेंट शॉर्ट टेक्स्ट। अगला इसके बाद हम रख लिए बस क्या कोर्स, क्या रख लिए कोर्स को हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही रखते हैं। कोर्स के बाद अगला हम रख लेंगे इसमें यहाँ पे क्या मंथ, क्या रख लेंगे मंथ को किसमें रखना होगा, नहीं शॉर्ट टेक्स्ट में ही रहेगा क्योंकि हम जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ ये लिखना चाहते हैं, पूरा मंथ नहीं देना चाहते, तो किसमें रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट। उसके नीचे हम यहाँ पे दे देंगे क्या फी, क्या दे देंगे फी, किसमें रहेगा नंबर, हो जाएगा ना। यहाँ पर अपने डेटा को हम क्या कर लेंगे सेव करने के बाद हमको किसमें आ जाना होगा, डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू में आने वाले क्या हमको आईडी नंबर भरना होगा, ऑटो कैलकुलेट करेगा, हम यहाँ पे नाम भर लेंगे, संदीप कोर्स भर लिया हम यहाँ पे क्या एडीसी, एडीसी हम ये मान लिए कि ये जनवरी में, किसमें जनवरी में जमा किए कितना
15। फिर अगला हम यहाँ पे ले लिए किसका, नौनीत। नौनीत का मान लेते हैं कोर्स डीसीए है, इसने फरवरी में जमा किया, कब जमा किया है, फरवरी, कितना, 3,015। फिर आगे हम ले लिया यहाँ पे क्या, आलोक। आलोक का मान लेते हैं डीसीए है, उसने भी जमा किया जनवरी में, कब जमा किया उसने, जनवरी, कितना, मान लेते 1,000 जमा किया। ऐसे कुछ लोग का डेटा हम बना लेते हैं यहाँ पे, जाहिर इसका मान लेते हैं डीसीए, डीसीए, और ये भी जमा किया कब, जनवरी, कितना, तो 1,500। अगले क्लास हमने ले लिया यहाँ पे रवि, रवि का हमने लिए कुछ अलग कोर्स ले लिया, डीएफए ले लिया, ये जमा किया कब, फरवरी में, कितना, 2,000। अगला हम ले लेते हैं किसी और का, इनका कोर्स हम ले लिए एडीसीए, मंथ ले लेते हैं इस बार क्या, मार्च। मार्च में कितना इसने, इन्होंने जमा किया, 1,500। ऐसे कम से कम 10 लोग का हम डेटा बना लेते, और ताज विवेक नाम डीसीए है, इसलिए क्या है, डीसीए, इसलिए चलो बीसीए, डीसीए ही रहने देता। तुमने मार्च में जमा किए 1,000, इसलिए तुम ज्यादा नहीं जमा करते। इसलिए अमन, और अमन का ले लिए एडीसीए, और एडीसीए के पास ले लिए, इसने कब जमा किया, फरवरी में, कब, कितना, 150। हाँ इनका हमने ले लिया क्या, डीसीए, इन्होंने भी जमा किया कब, मार्च, मार्च में कितना जमा किए, इनका ले लिए 1,000। एक और लास्ट अभी हम फिलहाल लेते हैं किसका, राव, कोई कोई भी हो, नाम भी समझो बस। इनका कोर्स हमने ले लिया एडीएफ, और इन्होंने जमा किया था जनवरी में, कब जमा किए, जनवरी, और कितना, हम ले लेते हैं 1,500। तो लगभग इतना डेटा ऐसे बन जाएगा ना, ठीक जो भी लड़का जमा करेगा कब जमा किया वो सारा डेटा ऐसे हम मेंशन करते हुए चलिए। इसको करने के बाद से क्या करना है, इस टेबल को कर लेना है सेव, टेबल को क्या करना है, सेव। सेव करने के बाद से इस टेबल को हम क्या कर लेंगे, क्लोज, हो गया क्लोज ना। उसके बाद से हमको जाना होगा किसमें, क्रिएट में, क्रिएट पर से क्वेरी विजार्ड, और यहीं पर आपको दिखाई देगा क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, क्या दिखाई देगा, क्रॉस टैब। तो इस बार हमको किस में जाना होगा, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड में, और क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद से हमको क्या करना होगा, ओके करना। ओके करने के बाद से ना आप जाएंगे तो कहेगा पहले टेबल सेलेक्ट करने के लिए, तो टेबल क्या यही है ना, तो टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से आपको किसके हिसाब से देखना है, अब बताइए, हमने आईडी नंबर लिया, हमें अब क्या ले लिया, आईडी, तो आईडी के हिसाब से तो हमको करना नहीं है, किसके हिसाब से हमको मैच कराना है, मंथ के हिसाब से ना, तो सेलेक्ट कर लेंगे मंथ, या फिर पूरे, यहाँ से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पहले मंथ को, और यहाँ से क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने, देखिए इधर मंथ का कॉलम आ गया है ना, इसके बाद हमको फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से जोड़ना किसको है, फी को जोड़ना है ना, तो फी को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब देखिए ये करने से क्या होगा, ये करने से आपका ये कैलकुलेट भी करेगा, ऐसे लिख के आएगा जनवरी माह में अमन ने जमा किया, विवेक ने जमा किया, जिन लोगों का वो बताएगा भी, साथ साथ उसका टोटल ही बताएगा कि टोटल जोड़ के कितना हुआ है, कि जनवरी माह में टोटल कितना जमा हुआ, फरवरी माह में कितना टोटल हुआ, ये भी सारा जोड़ करके बताएगा। ध्यान रहे उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमको फंक्शन देना होगा, क्या करना चाहते हैं,
आप लोग एक्सेल में कुछ फंक्शन पढ़े होंगे ना, जैसे एवरेज का, काउंट का, मैक्स मीन, ये पढ़े हैं ना, ये सब हम जोड़ना चाहते हैं, कौन सा फंक्शन दे देंगे? सम। क्या दे देंगे? सम। सम के बाद से हमको यहाँ पे क्या कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडिफाई करना है कि डायरेक्टली देखना है आपको, मॉडिफाई तो करना नहीं है, फिनिश कर लिया। फिनिश करते हुए देखिए ऐसे कुछ आपका आईडी के अनुसार दिखाई दे रहा है, किसके अनुसार दिखाई दे रहा है? आईडी, क्योंकि अभी आईडी सिर्फ जुड़ रहा है और ऊपर हमारा सिर्फ क्या दिखा रहा है, टोटल। तो मिस्टेक हम लोग कहाँ किए एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आगे हम किसमें क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, यहाँ से क्या कर लेंगे, टेबल को सेलेक्ट करें, क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे जोड़ना किसको, किसके हिसाब से देखना है, नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो हम लोग क्या सेलेक्ट किए थे, फी सेलेक्ट किए थे ना, तो फी को हटा के हमको यहाँ पे क्या ले लेना है, स्टूडेंट नेम ले लेना है। स्टूडेंट नेम लेने के बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसको सेलेक्ट किए थे हम लोग, फी को सेलेक्ट किए थे ना, इस बार सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट नेम को, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने का कौन सा फंक्शन, सम, और सम करने के बाद से नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से फिर हम लोग यहाँ पे आईडी सेलेक्ट रख रहे थे ना, हमको जोड़ना आईडी को नहीं बल्कि फी को है ना, हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट रखेंगे, फी। एक बार पुनः शुरू करें, देख लीजिए हमको कहाँ जाना है, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड माइनस क्रास टैब क्वेरी विजार्ड, ओके। टेबल को सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, अब यहाँ पे हमको क्या सेलेक्ट फील्ड देना है, तो मंथ के हिसाब से हमको जानना है, नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद से नाम के अनुसार हमको देखना है, स्टूडेंट नेम के अनुसार नेक्स्ट करेंगे। जोड़ना किसको है, फी को, और फी में हमको क्या करना है, तो सम कर लेना, फी में क्या करना है, सम। सम करने के बाद क्या करना है हमको, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से फिर। तो अब आप देखिए यहाँ पे तो बता रही है फरवरी का है, ये जनवरी का, और ये मार्च। तो फरवरी में टोटल कितना जमा हुआ है, 5। किसने किसने जमा किया है, अमन ने, नवनीत ने, रवि, और जो और भी डेटा होगा तो इधर बताएगा, और किसी ने नहीं जमा किया, तो टोटल मिलके कितना जमा हुआ है फरवरी में, 5। जनवरी में कितना जमा हुआ है, 55। किसने किसने जमा किया, आलोक, आलोक, जाहिर, जाहिर, राहुल, राहुल, उसके बाद से सर, टोटल मिलके कितना हो गया, 55। फिर बता रहा मार्च में कितना जमा हुआ है, क्यों, तो कुंदन ने जमा किया 1500, रोहन ने जमा किया 1000, और फिर उसके पास कौन है, विवेक ने जमा किया 1000, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, क्लियर सबको ना, एक बार ध्यान दीजिएगा। फिर इसके लिए हमने क्या, किसको करते हैं फिर से क्लोज, सबको यहां से डिलीट कर लिए क्योंकि अब इसकी आवश्यकता निकालने निकालने के लिए हम कहाँ गए जाएंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा ना। हाँ, अगर जो हमको सिर्फ कोर्स के अनुसार जानना हो कि नहीं ए डी सी ए का कितना फी जमा हुआ, ए डी सी का कितना जमा हुआ, तो जो वहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे फिर, पहले इसको करेंगे क्लोज, इस टैब में क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड के पास किसमें, क्रास टैब क्वेरी विजार्ड, फिर क्या करना है, ओ टेबल सेलेक्ट करना है, और यहाँ से किसके अनुसार आपको देखना है, तो इस बार कोर्स ले लेते हैं, कोर्स को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको ऊपर क्या दिखाना है, आईडी दिखाना है कि मंथ दिखाना है कि फी दिखाना है, हमको तो स्टूडेंट नेम दिखाना है ना, कि स्टूडेंट नेम कौन सा सारा डिफाइन करेगा, स्टूडेंट नेम ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो पूछेगा आपको फंक्शन किस में देना है, फी में। फंक्शन क्या, मैक्सिमम की, मिनिमम की, सम सम। फिर यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से अब बता रहा है एडीसी का टोटल कितना जमा हुआ है, 55। एडीएफए का 1500, डीसीए का 5, और डीएफए का 2000। किसने किसने जमा किया, कितना कितना, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जाए
जाहिर लिख भी नहीं जमा किया, जमा तो किया देखो, किस कोर्स में? डीसीए कोर्स हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अब मंथ के हिसाब से निकालो तो मंथ के हिसाब से निकालिए, और अगर जो आपको कोर्स के हिसाब से निकालना है तो फिर कोर्स के हिसाब से हो जाएगा। हाँ सेम यही डाटा बेस रहेगा क्या, तो उस टेबल में हमारा क्या हो जाएगा, तो जहां पर हम स्टूडेंट नेम दिया वहां एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, जहां कोर्स दिया वहां क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, और जहां पे हमने फी दिया वहां पे क्या हो जाएगा, सैलरी। उसका वो उसका भी जोड़ के बताएगा। जैसे सपोज करो इस बार इस क्लास टाइप को अभी हम क्लोज कर, इस बार ये कुंदन किसका मार्च ये है ना, मार्च वाले में यहाँ भी हम कुंदन करते हैं, मार्च वाले में यहाँ भी क्या कर दिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, टेबल को क्या कर लेंगे सेम। अब सेव हो चुका है ना, क्लोज करके ओपन करके देखिए है कुंदन दो जगह मार्च में। अब हमको कहाँ जाना होगा, कोर्स मतलब ये भी हमको मंथ ही लेना है ना, फिर हमको क्या करना है, क्वेरी विजार्ड क्रॉस टाइप क्वेरी ओके, टेबल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, किसका किसको कैलकुलेट करना है मंथ नेक्स्ट, फिर यस क्या करेंगे नेक्स्ट, उसका किसको ऊपर रखना है नाम, नाम को फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट करने बस किसको जोड़ना है, फंक्शन क्या लगाना है सम, नेक्स्ट उसके बाद से फिर। अब यहाँ पे हम देखें तो कुंदन का हम ये दिए है ना, टोटल दोनों जोड़ के बता देगा यहाँ पे कितना 25, क्योंकि 1501 में और 1001 दोनों जोड़ के बता देगा यहाँ पे कितना 25, और जब आगे आएंगे टोटल मार्क्स जोड़ के बता देगा कितना 35, क्योंकि 1000 रोहन ने और बाकी 2500 कुंदन। हाँ जो नाम मिसमैच होता थोड़ा भी तो कॉलम ये अलग हो जाता है, एक जगह दूसरा कुंदन और एक जगह दूसरा, हो जाएगा कर ले जाएंगे लोग, इसका प्रोसेस नोट कर लीजिए कैसे इसको करना होगा, हेडिंग दे देंगे क्या क्रास टाइप, या थोड़ा सा दो लाइन इसके बारे में लिख लीजिएगा कि मंथ वाइज डेटा कैलकुलेट करने के लिए क्रास टाइप क्वेरी का यूज करते हैं। क्रास टाइप क्वेरी का प्रयोग क्रास टाइप क्वेरी का प्रयोग क्वेरी का प्रयोग मंथ वाइज मंथ वाइज डेटा कैलकुलेट करने के लिए डेटा कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस टाइप क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस टाइप क्वेरी का प्रयोग किया जाता है क्रॉस टाइप क्वेरी का प्रयोग किया जाता है हो गया। हाँ अब इसमें लिख लीजिए इसका प्रोसेस कि पहले मेक ए टेबल, टेबल का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे ने बनाया है, मेक ए टेबल गो टू क्रिएट टैब गो टू क्रिएट टैब क्रिएट टैब हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड क्वेरी विजार्ड WIZARD क्वेरी विजार्ड, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड
क्रास टैग, क्वेरी विजार्ड हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, प्रोसेस डाल के ओके ओके वहां से सेलेक्ट टेबल, देन नेक्स्ट सेलेक्ट टेबल, नेक्स्ट तुम अपना लिखो, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट मंथ हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, प्रोसेस डाल के लिख लेंगे नेक्स्ट, हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, फिर प्रोसेस डाल के नेक्स्ट, प्रोसेस डाल के नेक्स्ट हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिखे यहाँ पे फील्ड में फी को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड में फी को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड में फी को सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन में, और फंक्शन में सम को, और फंक्शन में सम को हो गया, फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, प्रोसेस डाल के लिख लेंगे नेक्स्ट, हो गया, और नेक्स्ट और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा फिनिश, नेक्स्ट और फिर प्रोसेस डाल के लिख लेंगे फिनिश, हो जाएगा, कर ले जाएंगे सभी लोग ना, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे आप लोग दोनों दोनों बेस पे टेबल बना लीजिएगा, एक एम्प्लाई बेस पे और एक दूसरा ये जो अभी हम बनाया पे बेस, हो जाएगा ना, तो ऐसे बना कर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास में हम इसमें हम आपको बताएंगे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी और अनमैच क्वेरी, कि अगर डुप्लीकेट कोई नाम लिखे हैं और उसको मैच कर ढूंढना आपको कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट नाम लिखे हैं और किसका नाम लिखे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी का, और जैसे सपोज करिए एक टेबल के बाद से उसी सेम टेबल को हमको दूसरे टेबल पे बनाना है, तो उसमें से कौन सा टेबल कौन सा नाम मैच कर रहा है और कौन सा नाम नहीं मैच कर रहा है ये हमको पता करना, तो किस क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, अनमैच क्वेरी, क्लियर सबको? तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइएगा लोग।